Before I start the journey of AP for last 12 years and 2019, I would like to give a brief introduction of how I joined AP and why I joined AP. A lot of people come and talk, a lot of things like, but what made me so deep into AP, why I went into it and what make me stand true for it. बहुत जन बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कुछ साल चलती है, लोग मिलते हैं जुलते हैं, काम होता है, फिर खत्म हो जाती है। एम भी आज तक चलती रही अलहमदुल्ला 12 साल तक। ऐसा क्या रहा कि जो लोग जुड़े हैं 10 साल से 12 साल से वो आज तक जुड़े रहे, कुछ तो डिफरेंट होगा, वो क्या था एंड व्हाट मेड मी टू जॉइन देम। मेरी जो एमपी की जर्नी रही है वो 8 साल पहले शुरुआत हुई थी। 8 साल पहले मैंने एमपी को देखा था, एमपी एक वक्तरियत फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कई मुसलमान लोग एक साथ मिलते हैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एमबीए पास किया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि जब भी कहीं मुसलमान का नाम ऊपर देखता हूँ तो दिल में बहुत बड़ी चाह रहती है कि ना ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, हम सबको करना चाहिए। क्योंकि मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी ऊपर देखा ही था, बहुत ही नीचे की चीज देखते आया हूँ। मैं अपने घर का पहला बच्चा था जो स्कूल में एडमिशन लिया था। मेरे घर में किसी को ना मेरे वाले साहब को ना मेरे उम्मीदों किसी को भी कुछ पढ़ाई लिखाई इसी सिटी तक नहीं आता था क्योंकि कभी स्कूल नहीं गए थे। तो मैं स्कूल गया, स्कूल में जाने गया था, लोगों को आसपास देखते रहे, कॉलेज गए, कॉलेज गए, फिर एमबीए किया, एमबीए फाइनेंस किया। मेरे वाले साहब का हमेशा कहना था कि भले बेटा एक टाइम का खाना खाने ना मिले लेकिन स्कूल की फीस पहले भरना। दैट मेड मी, मतलब मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी मैं एमबीए तक पढ़ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय वालिद साहब जिन्होंने मुझे कुछ शादी किया। तो ये सारी चीज देखने के बाद हमेशा अपने दिल में ये होता है कि ना हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाली पीढ़ी आने वाली कौम के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे उनको ये टाइम ना लगे। हमारे कितने बच्चे रहते हैं हम हमारे इलाके में देखते हैं, हमारे इलाके में जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल है उसमें कितने सारे बच्चे जो 90% प्लस लेके आते हैं, बट क्या वो कामयाब हो पाते हैं? वो 90% जो बच्चे ने 10th में लाया और हमारा बच्चा और उर्दू मीडियम स्कूल का बच्चा, राइट, जिसको किसी ने गाइडेंस नहीं दिया है, वो बच्चा क्या कामयाब नहीं बन सकता है? बन सकता है, पर हम लोगों ने थोड़ा स्टडी करके देखा 6 साल के बाद बच्चा क्या होता है। 90% लाया था फिर वो 12 करना चाहिए था, इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहिए था, 6 साल के बाद बच्चे क्या होना चाहिए था? हालांकि ये होना चाहिए था कि बच्चे का करियर बहुत बड़ा बनना चाहिए था और रोल मॉडल बनना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली 90% बच्चे वो 6 साल पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये चीज के लिए बहुत जरूरत है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कायम हो जो इस डायरेक्शन में सोचे। मैंने खुद एमबीए करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन किया, मैं खुद 12 एनजीओ का मेंबर हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ, अभी भी काम करता हूँ। जब पहली बार मैंने आमिर भाई से बात की थी जब आईपी बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, 8 साल पहले जब मैं जुड़ा था बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, मुझे अमित भाई ने खुद फोन करके बोला था भाई आपको एक सेशन लेना है, आपको एमबीए बच्चों को गाइडेंस से वर्क करना है। तो मैं भाई यार इट्स वेरी गुड, मैं खुद चाहता था ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो ये करे और मैं आके देना चाहता हूँ। मैं और समीर भाई जो हमारे इंटरनेशनल हेड है वो हम दोनों ने बात की थी, मैंने डोमेस्टिक एमबीए के ऊपर बात किया था, उन्होंने इंटरनेशनल एमबीए पे बात किया था। वो मेरी जर्नी थी फर्स्ट डे ऑफ एमबीए, मैं अमित भाई से मिला और बात किया कि अमित भाई क्या आपका थॉट प्रोसेस है ये एमबीए को लेके। तभी 8 साल पहले आमिर भाई की जो बात थी वो मेरे दिल में छुप गई थी, वो मेरे दिल में चले गई थी। आमिर भाई ने कहा था रजाक भाई अगर आप जैसे हमारे से लोग आगे खड़े हो जाए और कौम के बारे में सोचना चालू करते हैं, इंशाअल्लाह आज एमपी को हम बॉम्बे में चला रहे हैं, एमपी को हम इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट में लेके जाके वहां पर काम करेंगे। मेरी 38 ईयर की जिंदगी में जो पहले 30 ईयर से जितना मैंने इंडिया ट्रेवल किया था उसका 100 गुना ज्यादा अमित भाई ने मुझे 8 साल में ट्रेवल करा दिया।
तो हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे जहाँ पर अभी आपको लिखे गए, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटी की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, जिससे बहुत सारी चीज नई चीज मालूम पड़ने पड़ी, क्योंकि हम शहरों में रहने वालों को अलग दुनिया नजर आती है। जब हम शहर के बाहर निकलते हैं, हम उस्मानाबाद गए, हम लातूर गए, हम बहुत कलकत्ता गए, हम बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह गए जिसको मैं नाम भी नहीं जानता था। जब जाके लोगों के हालात देखे, जब देखे तो नजर में आया, तब मालूम पड़ा कि नहीं, हम आज तक जो कर रहे थे वो 1% भी नहीं था। आज तक हमने जितना भी किया है वो 1% भी नहीं है। हमको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीजें करना है। With that ambition, आमिर भाई जो लेके चले हैं कि 700 डिस्ट्रिक्ट में जाना है। With that ambition, आमिर भाई जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल टच लाते हैं ना, that is very rare। मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर नहीं है जितना आमिर भाई ने भी बना के रखा है इंडिया को। Right from governing council, state head, chapter head, chapter secretary, EBP, इतना organized, I don't know any Muslim organization which is there in India. That has been a big achievement for him. Coming back to my topic of discussion, AMP 2019 achievement and AMP 12-year journey, आप अगर ये एक छोटा सा चार्ट आपके पास दिया गया है, आप ये निकाल दोगे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैं अभी तक जितना भी मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस रहा है, जितनी जगह मैं गया हूँ, मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मालूम जिसके पास अगले 10 साल में क्या करना लिखा हुआ है। बोलने में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन लिखा भी किसके पास है, अगले 20 साल में क्या करना है, अगले 50 साल में क्या करना है। अभी मैंने सारा स्ट्रक्चर बना के रखा है। हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, जो लीडर होता है सब कुछ होता है। अगर कल लीडर नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। एमपीएस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई है कि पूरी लीडरशिप टीम अगर हट जाए तो भी एमपी चलता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज द बिग अचीवमेंट ऑफ एमपी। तो ये पहला चार्ट देखो, भी हम हर साल इसको बना के दिखाते हैं लोगों को कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमने क्या अचीवमेंट किया है। पहले दो चार्ट अगर आप देखोगे, हमने दिखाया है 2019 में हमारा क्या प्लान था और क्या अचीवमेंट किया है। अब जो प्लान होता है वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। जैसे साइबर मैडम ने बताया कि मैं कितना भी बोल लूं लेकिन मैं 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे अपने ऑफिस को देना पड़ेगा, 4-5 घंटे फैमिली को देना पड़ेगा, उसके बाद का टाइम भी मैं एमपी को दे सकता हूँ। हम सब वॉलंटियर लोग हैं, हम कोई फुल टाइम एमपी के मेंबर्स नहीं है। हमारा जज्बा है, हमारे दिल में है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। राइट, तो गोल अचीवमेंट हमेशा बड़े रहना चाहिए, गोल कि हमको इसको अचीव करना है। हो पाए ना पाए वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह उसको ताकत देगा, अल्लाह हमको मदद करेगा। हमने क्या प्लान किया था, क्या अचीव किया है 2019 का अगर आप देखोगे, हमारी कोशिश थी कि 150 शहरों में हमें जाना है। तब रात को हम बैठे थे तो हमारे भोपाल चैप्टर के मेंबर ने हमको बताया था कि एमपी को कोई जानता नहीं है, एमपी बहुत कम जगह पे है। आई अप्रिशिएट, पर सर हमारा 2030 का जो विजन प्लान है, इंशाल्लाह वी विल बी नोन द बेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड वी विल बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी प्लेस इन इंडिया। अगर ये चार्ट को आप देखोगे, हमारा प्लान है 2030 तक 1200 सिटीज में इंडिया में जाने का। छोटे शहर, बड़े शहर, छोटा गांव, बड़ा गांव, 1200 लोकेशन पे हमारे चैप्टर होंगे, हम सब जगह पे जाएंगे। हमने कोशिश ये नहीं की थी कि हम बड़े शहरों में रहेंगे, बड़ी जगह में काम करेंगे, पर कहीं पे हमने ये नहीं बोला हम ही करेंगे। हर जगह पे हमने लोगों को जोड़ा है, लोगों से बात की है और लोगों से मिलकर काम किए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मणिपुर में, रईस भाई खुद आए यहाँ पर, रईस भाई खुद एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ऑनलाइन मुस्लिम मणिपुर फोरम करके। राइट, जब उनके साथ हमारी मुलाकात थी, हमने ये डिस्कस किया हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। आप भी मुस्लिम के लिए काम करते हैं, हम भी मुस्लिम के लिए काम करते हैं, क्यों अलग बैठे हैं, क्यों ना साथ में बैठे काम करते हैं। हिंदुस्तान के 10,000 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं, आइए मिले जुलते काम करें। हमको कहीं का नाम नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो मिशन है हमको वो पूरा करना है। 2019 में हमारी नियत थी कि हम 150 सिटीज में जाएंगे, 150 लोकेशन में काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू रीच ओनली 106 सिटीज। आज हिंदुस्तान में 106 जगह है जहां पर हमारी टीम है, जहां पर हमारे लोग हैं, जहां पर हमारा काम चल रहा है। करना 150 था, हम सबको कोशिश करना चाहिए जो हम 2019 में नहीं कर पाए, 2020 में हम किस तरह इसको अचीव कर रहे हैं। अब 2019 ही काम नाकामी आगे लेके जाना है या 2020 का मिशन को ही लेके चलना है, वो आप सब लीडर यहाँ बैठे हैं, आप सब खुद उस पर डिसाइड कर सकते हैं हम क्या करेंगे। 2020 में हमारा मिशन है कि 200 से लोकेशन पे जाना है। हम सब स्टेट हेड से, हम सब चैप्टर हेड से ये चाहते हैं कि आप डिसाइड करें कि आपको अपने स्टेट पे कितने जगह पे जाना है, आपको अपने स्टेट पे कितना काम करना है, आपको अपने स्टेट पे कितने लोगों को कनेक्ट करना है। तो वो हमारा था कि हमको कितने जगह जाना है। एनआरआई चैप्टर में सभी भाई ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है। हमारा गोल था कि हमको 10
एनआरआई से कंट्रीज में चैप्टर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, नासिर भाई और शहजा भाई की मदद से हम 12 साइट पे जा चुके हैं। इनफैक्ट 2020 का हमारा प्लान 15 का है, समीर भाई 31 मार्च से पहले 15 अचीव कर लेंगे। तो उस बेस से सभी का काम कर रहे हैं, सभी भाई को ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, प्रोफेशनली जो उनका बिजनेस है उसके उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उसी में वो एमपी का काम भी कर लेते हैं। तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर एमपी बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद हमारा मेंबरशिप का प्लान था कि हम मेंबरशिप करेंगे। हमारी कोशिश ये थी कि ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह ना बने कि मिस होते और मेंबर बन जाए। 10 करोड़ मेंबर बनाना बहुत आसान है, राइट? नंबर लिखना बहुत आसान है कि हमारे पास इतने मेंबर है। फेसबुक पे हमारे पास 1 लाख मेंबर है, पर उसको बूस्ट करने का मतलब नहीं होता। हम चाहते हैं जो लोग वाकई में एमपी को दिल से चाहते हैं वो एमपी में आए, रजिस्टर करें, 1000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करें। लाइफ में एक बार देना होता है, लाइफ में एक बार देना होता है। अगर हमारे दिल में है कि हाँ हमें हमारे कॉम के लिए काम करना है, हम उसी को काम करते हैं। हम चाहते तो बहुत बड़े नंबर दिखा सकते थे। हमारा प्लान था कि हम लोग 7500 लोगों को रजिस्टर कराएंगे। हमारे नियत ये थी 7500 लोगों को नए लोग रजिस्टर कराएंगे। हमने 107 लोगों को किया, 107 लोग ने आके 1000 रुपए लेके मेंबरशिप की। बट वी डोंट फील कभी हमारा फेलियर रहा। हम चाहते हैं लोग आए, जुड़े, समझे और बाद में रजिस्टर करें। मैं खुद 8 साल में से पहले 3 साल नॉन एक्टिव मेंबर था, सिर्फ ऑब्जर्व करता था, साल में एक बार दो बार जाता था, बात करता था, मीटिंग में आके बैठ जाता था। 3 साल के बाद मैं खुद रजिस्टर मेंबर बना था। तो हम भी चाहते हैं कि लोग आए, जुड़े, करें। बट अगर एमपी को बड़े मुकाम पे लेके जाना है, बड़ी चीज करना है, तो हम सबको पहला स्टेप तो ये करना होगा। जिसको भी जोड़ना है उन सबको पहला स्टेप ये कराना पड़ेगा। तो ये हमारी मेंबरशिप की थी, हमारी नियत थी कि पैटर्न मेंबर बनाएंगे। पैटर्न मेंबर वो होंगे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे, जो एमपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हम काम नहीं कर पाए, इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन 0 रहा है। एडवाइजरी बोर्ड हमारा एक नियत थी कि एडवाइजरी बोर्ड बनाए, करीब साहब जैसे सीनियर लोग जो आए हमको गाइड करें ना फ्यूचर में क्या होना चाहिए, आने वाले 25 साल में हमारी कम्युनिटी का कोई गोल होना चाहिए, किस तरह से हमको करना चाहिए, वो हमारा रोल था। एसडीएल था, SDL has been the flagship skill development lecture। इसे बहुत ज्यादा जरूरत है, फिरदौस भाई ने बताया कि इसकी जरूरत क्यों है। आज हिंदुस्तान में जो हमारी कौम की जो हालत है, वो हालत को बदलने के लिए एक ही चीज कर सकती है, वो तालीम है। तालीम ही है जो हमारी कौम की, पूरी कंट्री की, सबकी हालत चेंज कर सकता है। और वो हमारा हमेशा कोर प्रोजेक्ट रहा है, इसका हमारा है स्किल डेवलपमेंट लेक्चर। और हमने अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखे, या किसी भी उर्दू मीडियम स्कूल में जाके देखे, या किसी भी कम्युनिटी स्कूल में जाके देखे, हमें मालूम है कि इस तरह के हालात है वहां पर। अगर हम हमारे कंपनी में 500 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारी कंपनी में हम लोग पूरे इंडिया को ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं, तो क्या हम हमारे कम्युनिटी के स्कूल को, हमारे कम्युनिटी के लोगों को मैनेज नहीं कर सकते? हम सबको हमने से एक एक दो दो घंटा निकाल के महीने में आके अपने इलाके, अपने एरिया के स्कूल को आइडेंटिफाई करना है और खुद एक प्लान बनाना है कि इसको कैसे डेवलप करेंगे हम लोग। यही एमपी का मिशन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग ऑलमोस्ट 744 स्कूल्स को टच बेस कर पाए। हमारा गोल था 700 स्कूल को करना, माशाल्लाह ओवर अचीवमेंट रहा उसमें। और उसमें बहुत सारे चैप्टर का रोल रहा है अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग प्लान बनाए थे कि हम लोग स्पेशल लेक्चर अटेंड कराएंगे, ट्रेनर ट्रेनर कराएंगे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, पैरेंटिंग वर्कशॉप कराएंगे। हर चीज में कुछ ना कुछ स्टेप लिया गया, काम किया गया। अब जरूरत यह है कि चैलेंज ये आता है, कुछ जगह पे कुछ लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें एक चैप्टर बैंगलोर है, बहुत अच्छा बेहतरीन काम हो रहा है वहां पर। कलकत्ता बहुत अच्छा काम हो रहा है, बम्बई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग जगह जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। बट ये अच्छे काम को रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ 106-107 चैप्टर है, तो आइडियली सब चैप्टरों को मिलकर एक साथ काम करना। अगर जिस दिन हम ये सब कर पाएंगे, तो एक्चुअल वो चेंज, गांधी जी का स्टेटमेंट है, द चेंज दैट यू वांट टू सी द वर्ल्ड दैट शुड बिगिन विद यू। तो हमको वो चीज पहले अपने में लाना है, अपने इलाके में लाना है, तब वो हिंदुस्तान में आएगा, तब हमारे गाँव में आएगा। तो ऐसे को लेकर वो करना है। नेक्स्ट EAC एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेंटर में हमने टीम बनाई थी, एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया था। वो प्रोजेक्ट का सिंपल नियम ये थी कि हम सब प्रोफेशनल हैं, सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए। आज मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी में सिर्फ 1% मुस्लिम है। क्या हमारे पास जॉब की ओपनिंग नहीं है? क्या हमारे पास नौकरियां नहीं है? सब कुछ है, बट हमारे लोग कम है वहां पर। क्या हमारे लोग को रोका जा रहा है? क्या हमारे लोग को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू मैं खुद देता हूँ।
तो ऐसा नहीं है, राइट? ये हमारे मन में परसेप्शन है। जरूरत ये है कि हमारे बच्चे को वो जो जॉब है उस तक पहुंचाया जाए। बाकी के लोग के साथ क्या हो रहा है, उनकी सेकेंड थर्ड जनरेशन है जो पढ़ाई कर रही है। हमारी मेजोरिटी जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है या मैक्सिमम सेकेंड जनरेशन पढ़ रही है। तो हमारे पास वो कनेक्शन नहीं है जो प्रॉपर टर्म में वो दे सके। तो एएमटी ने जिम्मा लिया था कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे बच्चों को प्रॉपर टर्म में एंट्री करने के लिए हम रास्ता बनेंगे, हम उसको लेके जाएंगे। कॉर्पोरेट को बच्चे को कॉर्पोरेट करना चाहे, हम कॉर्पोरेट को बच्चे को लेके आएंगे। विद दिस नियर हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, इसमें सबसे सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट हमारा रहा है, जॉब फेयर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में जॉब फेयर हमारे चलते आ रहे हैं। जॉब फेयर एक टाइम पे हम लोग के लिए सेकंड या थर्ड लेवल का प्रोजेक्ट रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वन प्रोजेक्ट ऑफ एएमटी। इससे जिस तरह का हम लोग का सारा जो काम चल रहा है आज तक वो सारी कम्युनिटी के लिए, सब लोगों के लिए होता है, पर जॉब फेयर जो है वो स्पेसिफिकली हमको एक अलग रीच देता है, अलग एक हमारा ब्रांड वैल्यू बनाता है, नॉट ओनली फॉर एएमटी, फॉर द एंटायर कम्युनिटी। जब हम देखते हैं कि गैर लोग हमको बुलाते हैं, हमने जॉब फेयर मंदिर में किया है, हमने जॉब फेयर मदरसे में किया है, हमने जॉब फेयर चर्च में किया है, हमने जॉब फेयर पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर किया है, तो एक कम्युनिटी का अलग ब्रांडिंग बनता है। तो दैट हैज बीन अ बिग अचीवमेंट फॉर एएमटी। हमने जॉब फेयर किए हैं, जॉब ड्राइव किए हैं। जॉब फेयर भी हमारी नियत थी कि हम लोग 2019 में 18 जॉब फेयर करें, अनफॉर्चुनेटली हम 12 कर पाए थे, बट इट्स अ बिग अचीवमेंट। I don't know any organization in the country which can have that level job fair in the country. एक साल में करके दिखाया। So that is a big achievement. But क्या है ना कि वो जज्बा जो है हमको रुकने देता नहीं है, वो हमें कहीं पे ठहरने देता नहीं है। पिछले साल अगर 12 करके दिखाया है तो अगले साल की नियत 12 से 15 की नहीं है, अगले साल की नियत 12 से 24 करने की है। और वो अचीव तब होगा जो जितने लीडर यहाँ बैठे वो डिसाइड करें कि हाँ मैं मेरी तो जरूर करूंगा, प्लस मैं मेरे बाजू को ऐड करूंगा, ये हमको मिलके करना है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे इम्तियाज भाई हैं गुजरात के, वो खुद अहमदाबाद में रहते हैं, खुद अहमदाबाद में जॉब फेयर कर रहा है, वो हमारे रुके नहीं, उन्हें कहा मुझे पूरे गुजरात में कराना है, खुद ट्रैवल करके बड़ौदा गए वहां पर करा है, खुद ट्रैवल करके अलग अलग लोकेशन में जा रहे बात कर रहे मुझे कराना है। ये हमको जज्बा चाहिए कि हमको सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसा आमिर भाई का जज्बा है कि मुझे सिर्फ एक शहर के लिए, एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए नहीं करना है, मुझे पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए करना है। हर टाइम उनका स्टेटमेंट होता है 20 करोड़ मुसलमान, कहीं पे भी ये नहीं होता है मुंबई के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, सबको लेके चलना है। तो हमको भी ये नियत बनाना है कि अपने इलाके में भी करेंगे और बाकी इलाके में भी जाके हम कर पाएंगे। तो एसी रहा है, एसी में हमारी दूसरी जो नियत रही है वो है एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हमारे बच्चे जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, 10% 20% होते हैं, बट ट्रस्ट भी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, हर जगह सिलेक्शन रेशियो 1% 2% होता है। अगर हमारा 10% भी है तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। बट उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो 10 को 12 पे 15 पे 20 पे कैसे लेके जाया जाए, उसके लिए हमने प्रोग्राम चालू किया था एडीपी एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग फाइनल ईयर कॉलेज के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे दे, इंटरव्यू में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कि बहुत सारे बच्चों को मालूम होता है क्या नहीं बोलना है। हम वहां पर जब जा रहे हैं तो हमको अपने को सही करना है, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा ब्रांड, हमको अपने को सही करना है। हम वो कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग देने की, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मॉक इंटरव्यू हम कर रहे हैं, उसके अंदर जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम हमने चालू किया है कि जो बच्चे को अगर जॉब जाना है क्यों ना वो जॉब की ट्रेनिंग पहले ले ले, बच्चे को अगर कोई भी जॉब में जाना है वो जॉब की ट्रेनिंग ले ले। नॉर्मली होता है इंटरव्यू देने का अपनी डिग्री लेके, डिग्री के अच्छा हुनर लेके जाए ताकि जॉब लेने में आसानी हो जाए, वो हम कर रहे हैं। फिर हमारे प्रोडक्ट हमने प्लान चालू करा ज़कात फंड, जिससे हम लोग ने पूरी इंडिया को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हेल्प करने की कोशिश की है। ये ज़कात फंड ऐसा है, ये ज़कात फंड ऐसा है जो पूरे इंडिया से फंड कलेक्ट करता है और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो ज़कात का एक्चुअल जो नियत थी वो थी कि अमीर से लिया जाए, गरीबी को दिया जाए, वो नियत से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े शहरों से लेके छोटे इलाकों में कैसे दिया जाए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पैसा कहाँ से आता है वो जरूरी नहीं है, लेकिन काम बहुत जरूरी है। हमने कश्मीर में भी दिया है, हमने केरला में भी दिया है, हमने आसाम में भी दिया है, हमने गुजरात में भी दिया है, जबकि हालांकि हमारा प्रेजेंस सब जगह पे नहीं है, सब जगह से हमको पैसा भी नहीं आता, लेकिन कोशिश ये है कि जहां जहां हमारे लोग हैं, जहां जहां लोगों को हेल्प चाहिए हम वहां पहुंचे के उनकी मदद करें। वो दिन से हमने ज़कात फंड में हमारी शुरुआत की थी। ज़कात फंड में भी हम लोगों ने नॉर्मल ज़कात फंड की तरह रन नहीं किया, एकदम ऑब्जेक्टिव बेस बना दिया था उसको। हम लोगों ने उसके अंदर बनाया था कि हायर एजुकेशन के लिए देंगे, हम लोग
स्कूल का पासिंग एडमिशन रेशियो बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन में बहुत कम है, सिर्फ 2 या 3% मुस्लिम लोग ग्रेजुएट हो पाते हैं। उसको हमें ग्रो करना है तो वहां पर मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने वो कोशिश की है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ने हमने किया, उसमें भोपाल ने बहुत अच्छा काम किया था, भोपाल की टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोगों ने लोगों को फंड किया और अपने पैरों पे खड़ा किया ताकि अगले साल वो ज़कात देने वाले ना हो जाए, ज़कात देने वाले बन जाए, तो वो उनका बहुत अच्छा काम किया। फिर ऑर्फन सपोर्ट सिस्टम ने बनाया, जो बच्चे जिनके वालिद साहब नहीं है, जिनकी माँ को घर चला रही है, उन बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो गाइस सपोर्ट उनको देने की कोशिश की हमने। फिर हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर बनाया गया, आईटी के बच्चों को ट्रेन किया जाए, नीट के बच्चों को ट्रेन किया जाए, लॉ के बच्चों को ट्रेन किया जाए, देखो ये जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर हमारी कंपनी होना बहुत जरूरी है, आज हम वहाँ पर मिसिंग है, वो हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था रिसोर्स सेंटर, हमने बनाने की ट्राई की थी, अनफॉर्चुनेटली हम बना नहीं पाए, लोग जुड़े बहुत छोटे लेवल पे जो काम किया, जो नियम थी वो नहीं हो पाई, बट हम इंशाल्लाह 2020 में उसको और बेटर वे में काम करेंगे। मैं पर्सनली अपना टाइम स्पेंड करने वाला हूँ ताकि जो 2019 में नहीं कर पाए थे 2020 में उसमें जान लगा देंगे, उसको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सीसीसी हमने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया था कैरियर काउंसलिंग सेंटर करके, उसका नियम ये थी कि ना हर इंसान हर जगह पे जाके हेल्प नहीं कर सकता, हर जगह पे हर अलग क्वालिटी का आदमी बैठा हुआ है, क्यों ना एक ऑनलाइन सिस्टम बनाए जहाँ पर कहीं पे भी इंटरनेट इसको हेल्प की जरूरत होगी हम ऑनलाइन इसको हेल्प करेंगे। तो आज हमारी वेबसाइट पे 600 से प्रोफेशनल के नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उन्होंने टाइम लिख के दे दिया है कि इतने बजे मैं काउंसलिंग के लिए फ्री हूँ, कोई भी बच्चा मुझे कॉल कर सकता है और काउंसलिंग की बात कर सकता है। क्या हमारे में कोई इंजीनियर नहीं है, हमारे में पायलट नहीं, सब कुछ है बट कम लोग है, तो कम लोग का नाम दे दिया है ताकि बच्चे को उसमें मदद आ सके। अब लोग पूछते हैं कि इतना सारा काम करता है तो कैसा करता है, क्या करता है, कैसा मैनेज करता है, तो एमपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉलंटियर बेस होता है, एमपी ने एक लंबी चौड़ी टीम बना के रखी है वॉलंटियर्स की, लीडरशिप टीम की, बट एमपी ने एक टीम बनाई है जो स्टाफ की है। मैं बहुत बड़े आदमी को मिलने गया था, उसने मेरे को बोला था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एनजीओ की एक्चुअल नियम जानना हो कि वो लोग कितने सीरियस है, कितना जल्दी से काम करना चाहते हैं, जाके चेक करो उनके पास कितने एम्प्लॉय है। ज्ञान मिशन बनाना बहुत आसान है, लोग बोलते हैं हम ये करेंगे चांद तारे सब तोड़ के लाएंगे, लेकिन हर चीज करने के लिए लोग चाहिए होता है और वॉलंटियर से हर चीज नहीं हो सकता है। तो एमपी का बैकबोन उसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 11 एम्प्लॉय की टीम लेके चलते हैं एमपी में, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में काम हो पा रहा है। और सबसे बड़ा खर्चा भी एमपी का जो होता है वो एम्प्लॉय सैलरी में होता है। हमने हमारी जो नियम की थी, हमने सोचा था कि हम लोग 20-25 एम्प्लॉय लेंगे और पूरा काम कर पाएंगे, जो भी काम में आपने देखा कि शॉर्टफॉल रहा है कहीं ना कहीं उसका रीजन भी ये रहा है करके ना हमारे पास उतने एम्प्लॉय नहीं थे ताकि उसको फॉलोअप कर सके। आपने देखा रहेगा कन्वेंशन में आप लोग कितने कॉल आए रहेंगे, कितना सिस्टम बना हुआ है, कितनी सारी चीजें हो रही है, ये सब चीज के लिए लोग चाहिए रहता है। तो एम्प्लॉय के लिए भी हमने प्लान किया था कि हम लोग के पास 25 से 30 लोग रहेंगे जिससे हम सारा काम कर पाएंगे, जो हमारा बजट था 60 लाख का था, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा फंडरेजिंग बराबर नहीं हो पाया था तो हम लोगों ने खर्चा उतना ही कम किया है, 11 एम्प्लॉय में पूरा साल काम किया है। अब हमारी नियत ये है कि अगले साल के लिए जो 25 एम्प्लॉय सोचे थे और अगले साल का जो प्लान था कि 40 एम्प्लॉय में जाएंगे, तो 2020 में हम कोशिश करेंगे एम्प्लॉय बढ़ाए ताकि काम बढ़े। इतने सारे जो प्रोजेक्ट के नाम दिए जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए 2 या 3 एम्प्लॉय होना चाहिए, तब वो काम होगा तो फुल टाइम हो पाएगा। तो ये रहा पूरा हमारा इतिहास जो 2019 में हमने किया है और 2020 में हम क्या करना चाहते हैं उसके बाजू में लिखा हुआ है, और 2020 में जो हम करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है अगर सिर्फ हम करने जाए तो। इट इज ओनली पॉसिबल जब हम सब मिले, हम सब कोशिश करें, यस इसमें मेरा 5% कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें मेरा 10% कंट्रीब्यूशन रहेगा, तब ये काम हो पाएगा। तो दिस हैज बीन जर्नी ऑफ एमपी। थैंक यू, जजाकअल्लाह फॉर इट।